भाई भावना तो आए दिन किसी ना किसी की भड़कती रहती है, जरा जरा सी बात को लेके भड़कती रहती हैं, लेकिन हम लोगों को भड़कना नहीं है, हमें अपनी बुद्धि अपनी विवेक से काम लेना, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने नहीं कहा कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम करो जिससे आपको दिक्कत हो जाए। सहन करते रहो। नहीं सहन क्यों करना है, आप ये बताइए चल नहीं रहा काम, क्या चल नहीं रहा क्या, इसको इतनी जल्दबाजी में क्यों बदला गया? अगर इतनी तेजी से फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, क्यों फर्स्ट गियर में क्यों चल रहे हैं भैया? अनुवादित पांचवें गियर में चल रहे हैं, पांचवें गियर में बेसिक चल रहे हैं। सुनो, आज मीडिया उनका है, उनकी ही आवाज को उठाता है, अगर हमारा मीडिया भी हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि उनका टीवी उनके उनका ही सब कुछ है, अगर हमारा भी ऐसी धीरे धीरे चलेगा तो आने वाले समय में लोगों को पता चलेगा कि ऐसी बात नहीं है कि हम लोग भी कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखो भाई, जो सच के लिए आवाज़ उठाएगा उसके लिए तो पुतले भी फूके जाएंगे, उनको तो जान से मारने की भी धमकियाँ दी जाएंगी तमाम तरीके की, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको पीछे खींचने की कोशिश की जाती है। सदियों से दी जा रही थी ये ताड़ना महिलाओं को, क्या इनकी भावना नहीं भड़की है कभी महिलाओं की, शूद्रों की? क्यों नहीं भड़की है, क्यों नहीं भड़कती? मुकदमे दर्ज क्यों नहीं कराते उनपे? किनके दर्ज कराए मुकदमे? जिन्होंने चौपाई लिखी है। चौपाई क्यों चल रही है? अभी दीदी निर्देश ने क्या बोला, उनकी भी पहले जो इंटरव्यू है उसमें भी बोला है, उनकी काफी देर तक बात भी हुई है, और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से हम लोगों की बात भी पहुंचा रहे हो, और ऐसी बात नहीं है, हमारे समर्थक जो हैं बेशक वो सामने नहीं आते लेकिन पीछे से हमको सपोर्ट जरूर करते हैं और हमको आगे बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। जिन्होंने मनुस्मृति जाए लखनऊ में चार दिन पहले, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, कल उनको गिरफ्तार कर लिया है। हाँ जी, मुझे पता चला है उनका, क्योंकि देखो अब ये बाबा साहब के संविधान को जलाते हैं तो उनके लिए क्या कानून है? कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर वही काम वो लोग करते हैं हमारे समाज से जो गलत लिखा है उस बात के लिए विरोध करते हैं तो उनको जेल में पहुंचा दिया जाता है। आखिर क्यों क्यों पहुंचा दिया जाता है, मैं वही पूछना चाहती हूँ। जिस चीज़ में आपको गलत बताया गया अगर उस चीज़ का उन्होंने जला भी दिया तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो पंडाल में जाती है महिलाएं, वहाँ ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, इस तरह की कथाओं में बात बताई जाती हैं, लेकिन महिलाएं तो नाचती रहती है वहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि जो आपके सामने कोई चौपाई बोल रहा है या आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको जब तक तो मान सकते हो जब तक उसके बारे में आपको पता नहीं है, जब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है तो मतलब वो महिला वहाँ पे जाएगी? वो नहीं जा सकती, क्योंकि इस जो चौपाई में चेंज किया है अब इन्होंने शायद ढोल गवार की जगह मेरे ख्याल से इन्होंने शिक्षा करा है, शिक्षा। अब मेरे को ये बताओ, पहले तो शूद्रों को शिक्षा लेने पे आपत्ति थी, अब वो उसमें इतनी जल्दबाजी में उन्होंने करेक्शन कर दिया कि शिक्षा के ऊपर, अब मुझे ये बताओ कि शिक्षा मतलब ढोल भी ले, जो ढोल बजाने वाला ड्रम वो भी ले रहा है शिक्षा, जो जानवर हैं वो भी ले रहा है शिक्षा, तो मुझे बताओ एक इंसान को शिक्षा लेने में क्या आपत्ति थी? सीधा सीधा आप कह देते कि भैया शिक्षा सभी को लेने का अधिकार है तो इसमें क्या दिक्कत थी? तो तुलसीदास की चौपाई ये गलती किसने करी, गीता प्रेस वालों ने या फिर तुलसीदास ने? भाई तुलसीदास जी नहीं किएगी, जाहिर सी बात है उन्होंने लिखा है तो उन्होंने ही किया ना। मैम ये बताइए, जो तुलसीदास जी जब थे तो उस टाइम पे मुस्लिम शासन चल रहा था हमारे देश में, मुस्लिमों ने मंदिर तोड़े, बहुत सारे नुकसान किए हिंदुओं के, उन्होंने एक शब्द नहीं लिखा मुसलमानों के खिलाफ, निशाने पर रखा महिलाओं को शूद्रों को। देखो किसी को भी रखा हो किसी को भी क्या है, देखिए भैया आज जो चीज़ें चल रही हैं मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों पे बहस करना बंद कीजिए, जो आपकी सही चीज़ें, क्योंकि जो बाबा साहब की विचारधारा जितनी तेज़ी से फैल रही है मनुवाद उतनी तेज़ी से हमारी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, सीधी बात यह है। और क्योंकि बाबा साहब को अब जितनी भी महिलाएं आज तक जानती नहीं थी समाज में, सावित्री बाई फूले को कोई नहीं जानता था, माता रमाबाई जी को कोई नहीं जानता था, पेरियर को कोई नहीं जानता था, आज यही बदौलत है कि छोटी छोटी मीटिंग से या छोटी छोटी चीज़ों को महिलाओं के अंदर चेंज हो रहे हैं, चेंज होने की वजह से इस तरीके की मीटिंग जैसे दीदी निर्देश ने कराई है, इस तरीके से बदलाव हो रहा है, और बदलाव होने से इस भारत देश में कोई रोक नहीं सकता महिलाओं के अंदर। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम ममता राक्षस। राक्षस हैं आप जी, इससे तो लोग डर जाते हैं राक्षस का नाम सुनते ही। बिल्कुल ही, हाँ निर्देश जी का प्रोग्राम हो रहा है कोई भी नहीं डरा। अच्छा सूरजपाल राक्षस भी हैं जो ग्रेट नोएडा में रहते हैं? वो भी मेरे भाई हैं। अच्छा और क्या? आपने राक्षस नाम रख लिया, उपनाम सॉरी सरनेम रखा है जी? सरनेम नहीं है, राक्षस जो है लोग बार समझने में लगता है राक्षस जैसे उसके सींग होंगे उसके दांत होंगे ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर आप अपने इतिहास को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि राक्षस का अर्थ होता है रक्षा कर रहा। जो दलित हैं बहुजन लोग हैं वो राक्षस रख रहे हैं सरनेम, को रावण रख रहा है, इनकी तो बहुत बुराई होती है देश में। उनके मानने से बुराई होती है लेकिन जब आप अपना इतिहास को जान जाओगे तो, क्योंकि इराकी रावण भी हैं, रोमा रावण भी हैं, जैसे मैं ममता राक्षस हूँ, सूरजपाल राक्षस भी हैं, हज़ार तरीके के नाम मतलब इतिहास के दौर से जो चले आ रहे हैं उनके ऊपर नाम, क्योंकि जो जो इतिहास जानता जा रहा है उसी तरीके से वो नाम रखता चला जा रहा है। लेकिन देश में तो बात जैसे राम की हो रही है, बात तो न जाने कितने तरीके की बातें होती हैं, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि जो जिसको मान रहा है उसको माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, तो बाबा साहब की बात को करें। देश में जय भीम ज्यादा तेजी से चल रहा है, जय श्री राम ज्यादा तेजी से चल रहा है? देखो उनके मायने से तो उनका चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि बाबा साहब का जय भीम बहुत तेजी से और बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। आने वाले समय में भारत देश में जय भीम का नारा ही गूंजने वाला है। लेकिन राम मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा अयोध्या में। हाँ तो बनने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ तो देश में कोई शिक्षा के लिए बात करता नहीं है, रोजगार के लिए बात करता नहीं है। जो भगवान ने चाहिए आपको? नहीं चाहिए, हमें तो शिक्षा चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए। वो तो सब कहाँ है बताइए, है कुछ भी आपके पास? शिक्षा खत्म होती जा रही है, आप मुझे बताओ, काम है नहीं। मान सम्मान स्वाभिमान की बात करते हो, पहले जब आपके बच्चे शिक्षा तक नहीं पहुंच पाएंगे, जब शिक्षा ही नहीं रहेगी, आपको सोचने समझने की शक्ति आपके पास? हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या बात कर रही हैं आप? अरे कोई भी राष्ट्र बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो वो लोग सबसे पुराना बन जाएगा, पुराना धर्म है, कहने से बन जाएगा, सनातन धर्म सबसे पुराना है। उनके कहने से नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते आएंगे तो हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे चेंज चाहिए। क्योंकि चेंज करने, क्योंकि संविधान हमको राइट देता है हर चीज़ करने के लिए, संविधान से ही हमारा भारत देश चल रहा है, संविधान से ही सबको स्वतंत्रता रहने की आज़ादी जो मिल रही है, मान सम्मान स्वाभिमान, यहाँ तक कि जो नारी की अगर मैं बात करूँ, जो महिला भी आज सर उठाकर अगर अपना जीवन व्यतीत कर पा रही है या जॉब भी कर पा रही है, आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर जो भी बन पा रही है, वो बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से बन पा रही है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि आप मुझे समर्थन दो, मैं हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। नहीं तो हम क्यों देंगे समर्थन उनको? आप कथाओं में तो जाते होंगे। नहीं मैं किसी कथाओं में नहीं जाती। तो भीड़ किसकी रहती है फिर वहाँ पर? वो मुझे क्या पता किसकी रहती होगी, जो मूर्ख होंगे वो लोगों की रहती होगी, अज्ञानी लोग होंगे जिनको संविधान के बारे में नहीं पता, जिनको अंधविश्वास की तरफ, जो अंधविश्वास की तरफ ज्यादा है वो लोग जाते होंगे, क्योंकि प्रत्येक महिला ऐसी नहीं है कि वो पंडाल में जाके इन चीजों को सुन रही है। जो बाबा हैं, संत हैं, वो अयोध्या के, वो कह रहे हैं कि जो इनका विरोध कर रहा है ना चौपाइयों का और रामचरितमानस का, उनकी जीभ काट कर लाओ और 10 करोड़ रुपए देंगे। तो काट लो, कितने लोगों की काटोगे, कितने लोगों की काटोगे, कितनों की काट के ले जाओगे, जीव से जीव जीवों को काट काट के। ऐसी बात नहीं, आज एक की काटोगे कल दूसरा बोलने को तैयार हो जाएगा, जब दूसरों की काटोगे तो कल तीसरा बोलने तैयार हो जाएगा। क्योंकि आज ये भारत देश में बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से हर कोई अपनी बात को रख सकता है, हर कोई बोल भी सकता है। लेकिन चर्चा चले हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा देश को? अरे भैया चर्चा ही तो चल रही है, अभी कौन सा बन गया, अभी बना तो नहीं है ना। तो संविधान भी लिखा जा रहा है बाबाओं के द्वारा, तो भाई कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, कि संविधान को खत्म कर पाए, तो ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन नौकरी तो खत्म हुई है दलितों के लिए? भाई बिल्कुल खत्म हो रही होंगी, और क्योंकि शिक्षा खत्म हो रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, तो खतरे में सिर्फ अगर है कोई तो आज हम सब लोग हैं, क्योंकि खतरे से हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हो रहे हैं, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे पति सब बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में मेरे मानने से। ये मुद्दा तो मजबूत हो रहा है, हिंदू मजबूत हो रहे हैं। भाई मजबूती की बात मैं करूँ तो मजबूत चाहे कोई भी हो जाओ, लेकिन एक दिन ऐसी क्रांति आएगी जिस दिन सारी मजबूती जितनी भी है वो सारी टूट जाएगी। लेकिन हिंदू मजबूत हो रहे हैं, मुस्लिम टाइट होते जा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए सभी सपोर्ट करते हैं, मोमडन्स भी बाबा साहब को बहुत मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को। देखिए सच मायने में सभी को पता है कि बाबा साहब के संविधान से ही इस भारत देश का, अगर क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान दिया था तो एक बात कही थी, अगर इस भारत देश में संविधान को चलाने वाले लोग सही रहे, उनकी नीयत अच्छी रही, तो ये संविधान अन्यथा लास्ट तक मतलब ये अच्छा ही कहलाएगा। तो ये जो संविधान है अगर चलाने वाले सही हैं तो ये संविधान सही है, अन्यथा चलाने वाले सही नहीं है तो ये संविधान कभी सही नहीं ठहराएगा। लोग कहते हैं कि ये जो मोदी जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और देश में जय श्री राम की बात कर रहे हैं, ये हकीकत है। क्योंकि अगर मान सम्मान अगर कहीं देश विदेशों में किसी को मिल पा रहा है वो बुद्ध की धरती से ही मिल पा रहा है, क्योंकि तथागत बुद्ध जिन्होंने मतलब मैं क्या बोलूँ उनको, समता समानता मतलब जो इक्वलिटी की बात करी है तथागत बुद्ध ने भी, क्योंकि तथागत बुद्ध ना होते, क्योंकि एक मानने वाली चीज़ है कि तथागत बुद्ध को बाबा साहब ने एक बौद्ध धर्म हम लोगों को दिया, तो इसलिए बौद्ध धर्म सबसे आगे है और हम लोग बौद्ध की धरती से ही है। जहाँ पाँच खड़ी है ना, 5 अक्टूबर को यहाँ धम्म दीक्षा दिलवाई गई थी। हाँ जी हम लोग भी उसमें थे और हम लोगों ने भी आके उनका समर्थन किया था और हम लोग वहाँ पे आए भी थे। और क्योंकि देखिए जब जब मैं फिर बोल रही हूँ कि जो जो आवाज़ उठाएगा उसके लिए प्रॉब्लम है आगे, लेकिन ऐसी प्रॉब्लमों से डरना नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप डरोगे तो जो आपके पीछे और लोग खड़े हैं तो वो भी हट जाएंगे, तो हमको सबको मिल के और डट के सामना करना है हर चीज़ का। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो दलित हैं वो और पिछड़ते जा रहे हैं, नौकरी नहीं रही है, रोजगार नहीं रहे उनके लिए। हाँ तो रोजगार वाकई नहीं है, ये सच्चाई है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि शिक्षा आप एक बताओ, शिक्षा से आप क्या, बाबा साहब ने कलम की ताकत से इस भारत देश का संविधान लिखा और हजारों लाखों लोगों की तकदीर को भी लिख दिया बाबा साहब ने,
तो आप मानते हो कि सबसे ज्यादा जो ताकत है वो शिक्षा में है, बाकी किसी चीजों में नहीं है? अगर शिक्षा एक मुझे मंदिर बन रहा है इसमें, उसमें तो ताकत है, भगवान मिलेंगे तो भगवान उनको मिलेंगे ना जो ढूंढ रहे हैं, जिनको भगवान की जरूरत नहीं है वो क्यों जाएंगे भगवान को ढूंढने के लिए? लेकिन जो कमेटी बनाई गई है मंदिर की, उसमें भी ओबीसी को नहीं लिया गया अयोध्या में, उसके बावजूद जो ओबीसी हैं वो झंडा उठा रहे हैं धर्म का और हिंदू धर्म बनाने का। देखो भैया, किसी का भी धर्म बनाओ कुछ भी करो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम तो अब एक ऐसे महामानव महापुरुष तथागत बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं और हम उनकी विचारों को ही मानने वाले लोग हैं और हम उनको ही मानेंगे। आपने राक्षसनी लिखवा रखा है सर ने, आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है थोड़ा ये बताइए, जो आप प्रैक्टिकली देखते होंगे। अच्छा, पहले तो मैं बताऊँ, मुझे बैंक में कहते होंगे राक्षस आ गई, बैंक में पैसा लूट जाए। नहीं नहीं, सही बात है, क्योंकि नाम से लगना चाहिए, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि आपके नाम से इंसान अनुभव करता है कि ये किस तरीके की, जैसे बौद्ध है, अब जैसे बौद्ध बताते हैं तो बौद्ध महिला मतलब जान सकते हैं कि आप वो किस तरीके से कि बौद्ध हैं, ठीक है। अब राक्षस नाम मैंने बोला तो 10-5 महिलाएं आस पड़ोस में ये सोचती पता नहीं दहा के भैया राक्षस नाम है इनका, तो ऐसा नहीं है। राक्षस नाम रखने का एक मेरा पर्पस है, एक मतलब कि लोगों में लगना चाहिए कि जो हमारा इतिहास था, जो हमारे लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, ये उन्हीं से लिया गया नाम है राक्षस। लेकिन लाइफ में हम कहीं देखते नहीं इस तरह का सरनेम? नहीं, वो ना देखे, लेकिन मैं मर भी जाऊंगी तो शायद मेरे बच्चों के नाम के पीछे राक्षस ही लगेगा। लोग डरते होंगे फिर आपसे? हाँ डरते होंगे, क्यों नहीं डरेंगे। आपने यूज किया कहीं इस तरह का? हाँ हाँ, क्योंकि मेरी आवाज़ से भी डरते हैं।